Well, after announcing the Chief Minister for Chhattisgarh, all eyes are set on CM faces of Madhya Pradesh and Rajasthan. BJP leaders Narendra Singh Tomar, Shivraj Singh Chauhan, Manohar Lal Khattar and VD Sharma met at the party office in Bhopal today before BJP's legislative party meet to select Madhya Pradesh's CM today. My colleague Vaibhav Gupta joins us on the broadcast to give us more on this. Vaibhav, can you hear me? Yes. Right, absolutely. If you could walk our viewers through when the legislative party meet is Please scheduled. Ask the question. If you could tell our viewers when the legislative party meet is scheduled to take place and give our viewers more details on this front. हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में का मुखिया कौन होगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इसमें दिल्ली से जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं वो मौजूद रहेंगे, बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि 4:30 बजे ये जो सस्पेंस है जो कि पिछले 9 दिनों से लगातार बना हुआ है, हर किसी को एक मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका जवाब मिल जाएगा। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अन्य जो नेता हैं वो प्रदेश भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त लंच चल रहा है, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में, सभी जो विधायक हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, संगठन के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं और 4 बजे करेक्ट 4 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और बैठक को लेकर कल जिस तरीके से एक जानकारी दी गई थी, सभी विधायकों से कहा गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मीडिया में प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ ही हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कई सारे दावेदार हैं जिनका नाम इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 4 बजे हो जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो मौजूद रहेंगे और वो दिल्ली से रायशुमारी करके इस बात का फैसला करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब सत्ता की कमान किसे सौंपनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देशभर में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। लोकसभा को चुनाव भी ध्यान रखना है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी फैक्टर का ध्यान रखते हुए वहां कमान सौंपी गई है, तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को एक बार फिर से कमान दी जाएगी? तो सवाल कई सारे हैं, समीकरण कई सारे हैं, दावेदार कई सारे हैं, लेकिन ये जो फैसला होगा वो 4 बजे हो जाए कि अमित शाह और मोदी की पसंद कौन है, विधायकों ने किसे चुना है और किसे मध्य प्रदेश में कमान सौंपी गई है सत्ता की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.